हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। और मुझे आपको न्यूज़ देनी है। एक न्यूज़ ये है कि मामा जी का कल चोट लगी थी ना, तो चोट उनकी जो ये वाला होता है ना जॉइंट, ये निकल चुका था, तो कल डलवा लिया वहाँ से, शहर से। तो आज आपको बताना था कि हमारी जो कल वाली वीडियो थी ना, परसों वाली और परसों से पहले वाली, चौथ वाली, तो वो वीडियो काफ़ी अच्छा हमारी परफॉर्म कर रही है। हमारे एक के ऊपर तो मतलब 130 व्यू हो चुके हैं, और कल वाली के ऊपर हमारे व्यू हो चुके हैं जी 60। और मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करिए। लोग ऐसे नहीं आ रहे कि रैंडमली आ रहे हैं, जो पनीर सुपरस्टार वाली बनाई थी उसके ऊपर स्पेशली सर्च करके आ रहे हैं कि पनीर सुपरस्टार फर्स्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, तो हमारी वीडियो रैंक कर रही है पहले नंबर पे, तो ऑब्वियस सी बात है, तो सब भी उसे ही देखेंगे। गाइस, दो रोटियां बनने की दाल है और बस रोटियां हैं और दाल है। आज वैसे बनने वाली है भिंडी की सब्जी, जो मैं नहीं खाता यार। गाइस, आपके तोते की आवाज आ रही होगी, ये बातें कर रहा था, मतलब हिंदी में बोल रहा था गंगाराम, किसी का उड़ के आया है शायद, चुप हो गया। आज ये क्या है, ये पत्ता गोभी है क्या, ये मूली है? नहीं नहीं नहीं, ये है कच्चे आम। बिल्ली कश किए हुए, अब इनकी बनने वाली है चटनी, तो चटनी बनाते हैं। पापा को बहुत पसंद आती है ये चटनी इसकी, आम की, तो उन्होंने स्पेशली आम लेकर आए मार्केट से, और बोला कि उस दिन वाली फिर चटनी बना कर दो, फिर आज आम बना के देने वाले। इसके बनाना काफ़ी सिंपल है, बस इसको तेल गर्म हो गया फिर उसमें डाल देंगे, बाद में उसमें चीनी डाल देंगे, फिर चीनी जब मेल्ट हो जाएगी फिर उसके साथ ये भी मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा घुल मिल जाएगा, और फिर चटनी तैयार हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इतना मुश्किल भी नहीं है। कब तक भूनना है, कब तक गर्म करना है, ये है ट्रिक। तक अंदर आम बन रहा है, आम की चटनी, तब तक हम पानी भर के रख लेते हैं। वैसे तो खेतों में पानी लगा उधर से पी सकते हैं, पर जानवर भी फ्रेश पानी पीना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इस सांव के नीचे यहाँ चिड़िया वगैरह बैठ के पी लेती है पानी। खाना भी खा लिया, नहा भी लिया, और ये जैम हरा बन चुका है, सब बना एकदम डिलीशियस होता है, ये डिलीशियस, खराब भी नहीं होता, चल जाता काफी दिन। मैं आपका विंग वेदर रिपोर्ट देख रहा था पंजाब की, और अभी बता रहे हैं एक दो दिन में और थोड़ी सी बारिश होने वाली है, थंडर स्टॉर्म आने वाला है, मतलब मौसम तो हाथों के पीछे पड़ गया है, अभी गर्मी गर्मी भगा के रहेगा, और वैसे भी अभी बारिश नहीं हुई थी एक दो दिन से, तो मुझे तो लग रहा था गर्मी चली गई है, पर गर्मी तो यहीं घूम फिर रही है अभी भी। हाय, ये हमारे पत्ते खा रहे हैं, मतलब भिंडियाँ दुनिया खा रहे हैं। अरे रुको, ये सब्जी खा रहे हैं, हम खा के आता है उनको। मैं ये पास के घर वाले भी ना छोड़ देते हैं, ऐसे बांध के रखते नहीं है, फिर हमारी सब्जियां खाने आ जाते हैं। घर बंद हो गया, लाइट चली गई है, और गर्मी अपने पूरे जोरों पर है, वो डंडा हमने सांप मारने के लिए रखा है, कहीं सांप अंदर आ जाए सीधा उसकी खोपड़ी पर दे के उसको सीधा ऊपर पहुंचा दे। मोबाइल मेरा, ये क्या है, ये है मुझे नाम भूल गया, ये है, ये इसको अगर हम इधर लगा देंगे, इसकी बर्फ़ जम जाएगी, फिर हम इधर लिखा ही होगा आइस पैड है, ये शिकारी पंछी आया है। आप उधर ये देखो, ये वाला, ये ना गिलहरियाँ खाता है, गिलहरियाँ, इसके पास जाके दिखाता हूँ, गिलहरियाँ खाता है, छोटी चिड़ियों को खाता है। अरे नहीं, ये दूसरा शख्स का बच्चा है, मुझे लगा हॉक है, हॉक नहीं है ये, मुझे लगा कि ये हॉक है, हॉक की वीडियो बनाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली ये कुछ हो रही है, भाग गया। हाँ, बहुत तरह तरह के जीव जंतु आते रहते हैं उड़ने वाले,
क्योंकि हमारे पास ही जहाँ मैं वो उधर वीडियो बना कर आया ना, वो वाली कौन सी, हाँ परसों गए थे जो पानी देख कर आए थे, उधर ना बर्ड सेंचुरी है, तो बर्ड सेंचुरी से काफ़ी ज़्यादा पंछी हमारे इधर आते जाते रहते हैं, कभी मोर भी आ जाता है, अलग अलग तरह के पंछी आते हैं। पानी आ चुका है, मम्मी मेरे से पहले पहुँच गई, मैं गाने सुन रहा था। नींबू पानी वाद करके भाई, नींबू पानी पीना बहुत जरूरी है। अरे क्या करूँ, मुझे ना हर बात के ऊपर मतलब कमेंट्री करनी पड़ती है अभी जब से ब्लॉगिंग बना रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा था नींबू पानी के फायदे बताऊंगा। कभी कभी खुद पे ही हंसी आ जाती है, जैसे मैं बताने वाला था नींबू पानी पीना ना गर्मी में बहुत ज़रूरी है, ऐसे ये विटामिन इसे वो विटामिन मिलता है, उन लोग अगर ऐसा ही करते हैं जिस चीज़ को देखा उसके बस एलैबोरेट कर दो बस वो चीज़ को। मैं सोचने लग पड़ता हूँ, इसलिए माइंड में सीखता हूँ क्या बोलूँ इसके बारे में। अच्छी चीज़ है, कुछ तो बोलना पड़ेगा, कमेंट्री तो ज्ञान तो देना पड़ेगा जो थोड़ा बहुत है, नहीं तो लॉजिक लगा के ज्ञान देना पड़ेगा। खाली कर दिया सारा का सारा ही पी लिया लगभग। यार अभी मैं मार्केट गया था और पिछले काफ़ी दिनों से मैं बोल रहा था कि मैं गाना लिख रहा हूँ, गाना लिख रहा हूँ, तो गाना मैंने बहुत मतलब राइमिंग वाइमिंग लिख चुका हूँ, और अभी कल हम ब्लॉग में ही सारा कुछ है ना वो करेंगे, उसको कंपोजिशन करेंगे, मजा आएगा ठीक है, और गाना भी बनाएंगे, देखते हैं।